नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बिजली विभाग की लापरवाही से हुई संविदा कर्मी की मौत। खबर उत्तर प्रदेश की मथुरा से है, जहां बिजली कर्मी के लाइन पर काम करते समय अचानक बिजली चालू होने से हुई मनोज नामक संविदा कर्मी की मौत। बिजली कर्मी की मौत के बाद परिजनों ने किया हाईवे जाम। परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक के मुआवजे की मांग को लेकर किया हाईवे जाम। हाईवे जाम करने वालों पर पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। जाम लगाने वालों पर लाठीचार्ज करते हुए खुलवाया गया हाईवे। लाठीचार्ज करने के सवाल पर इनकार करते हुए नजर आए एसपी सिटी। थाना जैत इलाके में हुई थी बिजली विभाग के लाइनमैन मनोज की करंट लगने से मौत। आइए जानते हैं अरविंद कुमार एसपी सिटी ने क्या कहा। इंडियन न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। लाइनमैन है जो उस पर कॉन्टैक्ट बेसिस पर काम करते थे, वो बिजली ठीक कर रहे थे तो उसमें अकस्मात लाइट लगी जिससे उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसको लेकर के प्रजाजन ने थोड़ा सा रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया, उनको समझा बुझा करके जाम खुलवा दिया गया। बाड़ी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो इनसे तहरीर मिल रही है, तहरीर जो उस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है? नहीं, ये लाठीचार्ज की बात आप गलत बता रहे हैं। ये इनके जो संबंधित डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के द्वारा इनके परिवार को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया है। वो अभी तत्काल आर्थिक सहायता इनको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद से जो भी इनकी विधि सम्मत जो लीगल जो भी एड होता है वो डिपार्टमेंट इनको प्रोवाइड कराएगा। थैंक यू।